फ्रेंड्स देखिए, काम हमारा हो गया है सारा कंप्लीट। सारा घर के साफ सफाई, नाश्ता वगैरह सब हो गया है। और अभी टाइम 12 बजने वाले हैं, 10 मिनट रह गए। और अब मैं और मम्मी जा रहे हैं उधर नए वाले घर में घूमने के लिए। मैं भी कई दिन हो गए गई थी, मतलब उसी दिन गई थी। उस दिन वो करवाया हुआ ना, उसके बाद गई भी नहीं। बस मेरा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि यहाँ पे भी काम उस दिन से मेरा हो ही रहा था, साफ सफाई का बहुत ज़्यादा। मम्मी वैसे गई है, एक दो बार तो गई ना मम्मी, तो मैंने सोचा चलो मैं दिखा लाऊँ। मम्मी कल भी कह रही थी कि मुझे जाना और क्या कर रहे, कितना हुआ वो देखना था। तो मैं कहा चलो मैं चल रही, क्योंकि इसके पापा अभी बिजी हैं अपने काम में। कल कल तो गए थे दिक्कत मम्मी आप, हाँ बच्चों के साथ गई थी, इसके पापा ले गए थे यहाँ। तो अभी बस मैंने चाय बना ली मिस्त्रियों के लिए, ये बन गई है। और वहाँ पर ले जाऊंगी चाय बोतल में, और बस वे पी लेंगे। तो चाय भी दे आऊंगी साथ साथ, बस हम घूम भी आवेंगे दोनों, मैं और मम्मी। गुड्डू तू भी चला है क्या? और ईशु गई हुई है स्कूल, ईशु भी आज जल्दी आ जाएगी, उसे भी उधर से ही ले लेंगे। इतना मुझे लगा आ जाएगी, इतना हम जाएंगे और उसको भी ले लेंगे स्टॉप से, और हम भी बस घूम ही आवेंगे। तो यहाँ पे चाय छान के तैयार कर लूँ और फिर लेके चलते हैं। फ्रेंड्स हम पहुंच गए हैं घर, यहाँ पे नए वाले घर में। और यहाँ ये पत्थर का ली लग गया, क्या लग गया तो सारा ही हो गया, पत्थर का काम तो है ना, बस ये रह गया। और ये कुई है यहाँ पे, कुई नहीं मतलब कुई बना रखी वो वाली जिसमें सप्लाई का पानी आता है। ये अभी साफ होगी क्योंकि अभी यूज कर रहे हैं यहाँ पानी। भैया चाय पी लो लो। अच्छा नमस्ते, ठीक हो भैया? अच्छा ये टाइल लग गई इधर, कंप्लीट हो गई ये वाली, इधर भी लग गई, अंदर लग गई टाइल। हाँ यहाँ तो पूरे में ही लगवाई क्या? हाँ यहाँ तो पूरे में ही लगवा ली टाइल। कह रहे थे इधर नमस्ते, हो गया क्या काम? हो रहा लग रहे हैं अभी, इनमें ये लगा दिया, सीमेंट रह गया शायद लगना। अरे ये तो टाइल टूट गई है देखो। और उसे कहते तो टाइल का यही है, पत्थर का यह है कि वो टूटता नहीं अगर कुछ गिर जावे। सबसे बड़ी दिक्कत यही आवे टाइल में लगवाने में। अभी नहीं करा ये, आप कह रहे थे कर दिया, अभी तो नहीं करा। हाँ वो ही भरने रह रहे। चलो कमरे में भी लगवाई वो टाइल ना, कमरे में नहीं। अच्छा वाइटी कलर करवाया क्या? वाइट तो सारे में है। अच्छा चलो वाइट है, देखो तो लाइट ऊपर छोटा सा अच्छा लग रहा। या पीओपी अब चमकी इसकी है ना, या अब चमकी इसकी पीओपी है ना, पहले नहीं चमकती इतनी। बड़ा सा लग रहा ना आज कमरा, इतने इतना बड़ा कहाँ था। अच्छा ये भर रहे हैं अब इसमें, तो टाइल्स तो यहाँ पे लग गई पूरे घर में, पत्थर भी लग गया, बस ये भरना रह रहा जो इसमें बीच में ये भरा जाए। हाँ ये सफाई करके देखिए, स्क्रैच आ गए ऐसे ही, स्क्रैच नहीं क्रैक ही है, क्रैक है क्या? ये स्क्रैच ही है, मैं वही कह रही थी, मैं कह देख के स्क्रैच आ जाएंगे इनमें टाइल में बहुत ज्यादा। अच्छा, क्योंकि ये पहले ही लग है। निशान पड़ गए, निशान खरोच। अच्छा, ये हाँ ये देखो ये वाले कुछ ही सामान गिर जाए। जब रेता बजरी भी बहुत पड़ा था यहाँ, वो सीमेंट रेता वो नहीं रहा था, उससे हुआ है सारा। अब ये ही ना भरने लग रहे जो इनके बीच के ही है सारे। हाँ यही तो कह रही, मगर इसी बात को कहते इसके पापा कि इनतर ये टाइल निशान पड़ जाएंगे, क्योंकि ये पहले ही लगवा दी ना, यह दिक्कत आई पहले। ये तो बहुत पहले लग रही मम्मी टाइल, तो ये तो काफी पहले लग गई थी, कितने ही दिन पहले। हाँ बहुत है, तो नीचे थोड़ा इधर भी लगी क्या टाइल? अच्छा यहाँ ये वाली लगवाई, तो यहाँ भी लग गई है पीछे, इधर भी लग गई, बस ये रहेगी ये बोर्ड की वजह तो रुक रही, मुझे लगे लगने लग रही अभी है। हाँ ऊपर तो कलर हो जाएगा, बस इतने में बहुत है, ये सिलाब नहीं आने की, बस अच्छी लग रही है वाली है ना।
अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, छोटे छोटे टाइम काम में टाइम लगा है बहुत। रख लेंगे सामान, बस ये कमरे पूरे हो जाएंगे, ये वाले ये है, दोनों कमरे भी हो जाना तो सामान आ जाएगा बाहर, तो धीरे धीरे होता रहेगा फिर। तो यहाँ पे देखिए जी, इस वाले रूम में भी कलर हो चुका है और कलर थोड़ा सा, इन्होंने वाइट बेस ही रखा है, ये थोड़ा सा हल्का ये वाला करा, तो इससे जो इसका ग्रेस आ गया रूम का अच्छा, मतलब इसकी फिनिशिंग सी होगी इस कलर का, है ना, और वाइट ही रखा। तो ये टाइल्स इसमें लगी थी पहले ही, लेकिन ये अभी जो भरने वाली है ये भरने लग रहे हैं आज, इनको जो इसमें फीलिंग करते होंगे वो कर रहे हैं सीमेंट। और इधर भी साइड में बस पूरे में ये वाली दीवार रहेगी इसकी, इस पर भी लगाओगे भैया टाइल कलर? टाइल नहीं लगवाते? अच्छा, तो इधर भी लगा दी फिर तो पूरे पे ही। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा कब बोर्ड लगाएंगे यहाँ से, ठीक है चलो। तो ये वाली वो गर्दा इसमें इसलिए लग रहा, ये धूल लग हो रही ना बहुत, इन्होंने झाड़ू लगाई, अरे उसमें दरवाजा खुल रहा है, इसमें खुल नहीं रहा, जो धूल बाहर चली जा, तो इसमें अंदर बंद बंद है, ये शीशा नहीं खुल रहा ना इसका पीछे, वो खिड़की बंद। हाँ, ये अंदर वाला बाथरूम है, इसमें भी टाइल्स वगैरह लग चुकी है, बस फिटिंग हो नहीं रह रही, जो सीट वगैरह वो रख नहीं रह रही, टाइल्स लगी नीचे की तो देखिए दिख भी नहीं रही टाइल कैसी लगी कैसी नहीं, नीचे तो पूरा गंद बच रहा, बस अभी तो टाइम लगेगा इनमें, कम से कम 15 दिन तो भी आराम से लगेंगे काम में। नहीं ये तो पहले ही है, रंग नहीं करा। और रसोई तो खैर हो ही गई थी, या टाइल्स वगैरह तो लग गया था, लेकिन अब सामान, हाँ लाइट और पानी का रह रहा बस, सार पानी के बिना तो, लाइट के बिना तो चल जैसा कैसा जुगाड़ हो ही रहा, लेकिन पानी के बिना हो जाएगी दिक्कत बहुत अभी तो। नहीं टंकी नहीं लगी ना, टैंक भी वो ही भी वो हो रहा खराब, सफाई होगी उसकी? अरे अभी ना चाहिएगा अभी, पता नहीं बस, बस इनमें नीचे फिटिंग हो जाएगी ना इसके नीचे, फिर उनका सपोर्ट मिल जाएगा यहाँ से। देख लेंगे जैसा होगा। और यहाँ पे ये बस रखे हैं जो सारा सामान, ऐसे ही इनका कलर कुलर वालों का सबका ही रखा है यहाँ पे। तो जितना काम हुआ और तैयारी उधर से आने की हो ही रही है आजकल में, देखते हैं कल आएंगे, कल आज धनतेरस है और कल भी है, तो देख रहे हैं आज रखेंगे सामान या कल जितना भी, क्योंकि उधर भी तो बोल दिया ना इन्होंने खाली करने के लिए 1 तारीख तक, वो है बात। तो जी काम में तो अभी टाइम लगेगा काफी, और वो वाले रूम में भी टाइल, उसमें भी इधर दोनों साइड ही टाइल लगवा दी, बाहर वाले रूम में भी ये वाली। हाँ तो बस इतना काम हो गया। तो फ्रेंड्स हम आ गए थे उधर से, घर से नए घर में गए थे घूमने देखने के लिए, और ईशु को भी ले आए थे, फिर ईशु भी आज अपना बर्थडे मना गई स्कूल में, कल तो इसने छुट्टी मार ली थी, कल क्या हुआ हमारा पोपट बन गया वो, इसलिए क्योंकि ईशु की कल हॉलीडे नहीं थी, बस सिर्फ गुड्डू की पड़ी थी अभी तक, तो मैंने सोचा मुझे जो मैसेज आया वो आया था गुड्डू का, तो मैंने समझा कि ईशु का आया, तो मैंने ईशु को बता दिया, मैं तेरी भी छुट्टी पड़ गई, बल्कि ईशु रोई थी कि मेरा बर्थडे नहीं मना स्कूल में इस वजह से। लेकिन कल फिर मैसेज आया इसका कि कल हाफ डे, मैं यूँ सोच रही कि हाफ डे हो गया, लेकिन ऐसा कैसे हो गया जब छुट्टी पड़ गई हाफ डे की, फिर देखे पीछे मैसेज, मंगा वो कल तो यो आया था, देखा क्या पहला मैसेज ही नहीं मिला, वो दूसरे ग्रुप में देख लिया, तो आज ईशु फिर खुश हो गए जब ईशु को पता चला कि आज स्कूल जाना, तो आज ही अपना ये ड्रेस पहन के गई थी, टॉप चेंज किया था इसने जो दूसरा में लेके आई थी, देखो कैसा लगा खड़ी होगा, अच्छा लग रहा ना ये वाला। तो अभी देखिए इन्होंने, मम्मी ने फिर घूमने का अपना खेला खा लिया, मम्मी अब जा रही है उधर कृष्णार के पास, शाम आ गई थी, कल भी गई थी वैसे तो, लेकिन शाम आ गई थी, कल मम्मी की तबीयत थोड़ी खराब सी थी,
और अब फिर जा रही है इनके साथ, ये जा रही है मम्मी को लेकर उधर छोड़ने के लिए इंदौर के पास। तो अभी देख लियो कैसा करना, बता दियो शिफ्ट करने का कैसा करेंगे। नुका अभी तो वहाँ बहुत काम है, अभी नहीं होने तो जी मम्मी जा रही है उधर। ठीक है मैं आवांगे और मैं पूछ लूंगी। हाँ मैं दर्द उठा ठीक है। और इधर मैं बनाने लगी हूँ खाना, मम्मी को कह रही मैं खाना खा के चले जाइए, उन्होंने कह रही नहीं मैं तो वही खाऊंगी जाके। तो यहाँ पे मैंने बनाई है वो काली दाल जो माँ की दाल होती है वो, और ईशू को खानी है आज बूंदी का रायता। ईशू के डिमांड 2 दिन से हो रही कि बूंदी का रायता नहीं मिला मुझे, आज वो ही खाना आज है। तो अभी ये दही मंगा ली मैंने और अब इसके लिए रायता बनाऊंगी, यही खाती है बूंदी का रायता और कोई दिन खाता। बनावा जी मैं बनाऊँ, चल बना ले अपने लिए। ठीक है मैं रोटी सेक रही, बस दाल हमारी बन गई, आटा मैंने लगा दिया और बस अब रोटी सेक तू, क्योंकि ईशू को लग रही है भूख।